आज के वीडियो में हम आपको पीपल वृक्ष के कुछ ऐसे फायदे बताएंगे जो आपके जीवन में तमाम बाधाओं से आपको मुक्त कराएंगे और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी का बहुतायत से संचार करेंगे, क्योंकि पीपल का वृक्ष महान वृक्ष की श्रेणी में आता है और इसमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है। पीपल की जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु जी और टॉप पर भगवान शंकर का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। शनि शांति के लिए भी पीपल वृक्ष की पूजा का विधान है। सूर्योदय से पूर्व कभी भी पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूर्योदय होने के बाद जो व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टोटके बता रहे हैं जिनको करने से आपको लाभ होगा। पीपल वृक्ष पे कुछ अलग अलग पदार्थ बता रहे हैं जिनको अर्पित करने से पीपल वृक्ष की कृपा आप पर बनेगी और तमाम पितृदोष और भूत प्रेत संबंधी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो आज का वीडियो बहुत खास है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। आपने ये तो सुना ही होगा कि शिव जी पर कुछ चीज़ें अर्पित करने से आपको अलग अलग चीज़ें अर्पित करने से आपको अलग अलग लाभ होते हैं। इसी प्रकार से पीपल वृक्ष के ऊपर कुछ चीज़ें चढ़ाने से अलग अलग प्रभाव आपको मिलते हैं। अपने उद्देश्य के लिए पीपल वृक्ष पर ये चीज़ें चढ़ाएं। स्नान के पश्चात आपको क्या चढ़ाना चाहिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। जो व्यक्ति स्नान के बाद जल में, लोटे के जल में शहद डालकर पीपल वृक्ष को अर्पित करता है, उसको कर्जा नहीं झेलना पड़ता, कर्जा मिट जाता है। अगर धन रुका हुआ है तो शीघ्रता से वापस मिल जाता है, उसको अच्छी हेल्थ और वेल्थ की प्राप्ति होती है। अगर जल में काले तिल डालकर पीपल वृक्ष को आप अर्पित करते हैं तो पितृदेव आपके तृप्त होते हैं, पितृदोष मिट जाता है। जो व्यक्ति स्नान के बाद दुग्ध मिश्रित जल पीपल वृक्ष को अर्पित करता है उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिस भी चिंता से आप ग्रसित हैं उसका चिंतन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर करें, आपको रास्ता मिल जाएगा और उसको उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर शनिवार के दिन गुड़ मिश्रित दूध या शक्कर मिश्रित दूध पीपल पर आप अर्पित करते हैं तो शनि के दोष समाप्त हो जाते हैं, दीर्घायु आपको प्राप्त होती है और आपकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उसके बातचीत करना चालू कर दीजिए। जैसे बुजुर्ग से बातचीत करके सलाह लेते हैं ना, वैसा ही आप काम कर लीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा हर समस्या का। तो करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। 25 साल से आपकी सेवा ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु के माध्यम से कर रहे हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर उमा श्री में आएँ और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। सभी सर्विसेज चार्जेबल है। थैंक यू सो मच।